मेरा नाम बबन सिंह, ग्राम बसडी हैं, पोस्ट औरंगाबाद सरैया, ब्लॉक तिलौथू, थाना अमझोर, जिला रोहतास, बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने जैविक खेती के बारे में बहुत पहले से सुन रहा था। जैविक खेती से उर्वरक शक्ति बढ़ती है और दाना भी पुष्ट होता है, तो हमने एक बार स्कूल से सुना था कि जैविक खेती के बारे में बताने वाले लोग आएंगे। इस जैविक के बारे में हमको जानकारी हुआ ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एक सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल है तिलौथू में, उसी स्कूल में इस कंपनी के लोग आए हुए थे, तो उसमें किसानों की एक मतलब कि कार्यक्रम रखा गया जिसमें हम उसमें भाग लिए, और इसी कंपनी के उद्देश्य से हमको जानकारी हुआ कि ये आप लोग डालिए, मतलब कि जैविक खेती के बढ़िया खेती है और रासायनिक खेती छोड़िए। रासायनिक खेती से पहले भी नुकसान होता था, अब भी नुकसान होगा, जैविक खेती बढ़िया है। रासायनिक खेती करते थे पहले, लेकिन उतना जितना लागत खर्च था उतना उत्पादन भी कम होता था, और उत्पादन के अलावे खेत का उर्वरक शक्ति घटता जाता था। इसलिए रासायनिक खेती को छोड़ करके जैविक खेती हमने अपनाया। अगला साल तो हुआ लेकिन बहुत मतलब कुछ कम लगा, लेकिन अब की बार इन साल बहुत बढ़िया उत्पादन हुआ है। रासायनिक खेती करते थे तो उस समय हमको मतलब कि उतना पैदावार नहीं मिलता था, पौधा भी बहुत कम उगता था और छोटा छोटा होता था, और दाना भी पुष्ट नहीं होता था, और बाज़ार में उसको ले जाने से मूल्य नहीं मिलता था, मांगे नहीं था, तो मूल कहाँ से मिलेगा। और जब हम गेलवे कृषम यूज करने लगे तो इसमें पौधा भी बढ़िया होने लगा और दाना भी उसका पुष्ट होने लगा, पैदावार अच्छा हुआ, और बाज़ार में ले जाने से इसका डिमांड हो गया, मूल्य बढ़िया मिलने लगा और लोग का मांग हो गया, और इसको मतलब कि खाने से मतलब कि कोनो किस तरह का रोग की उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। हम जब फसल लगाए तो लोग अगल बगल के लोग पूछने लगे कि कौन सा खेती किए हैं, कहाँ से काट डाले हैं, तो हमने बताया कि गैलवेज कंपनी, कृषम कंपनी का डाले हैं, तो वो लोग भी पूछने लगे कि ठीक है, ऐसे हम लोग भी अगला साल करेंगे और बढ़िया उत्पादन निकालेंगे। हमारी फसल को देखकर गैलवे बिजनेस के लोगों ने 10-15 व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया है। लोगों का हमारे प्रति बहुत बढ़िया विचार है। हम जब बाज़ार में मार्केट में निकलते हैं तो लोग पूछने लगते हैं कि चाहे चर्चा भी होता है कि देखिए बबन सिंह वो खेती किए हैं गैलवेज कृषम का, से उसका पैदावार बढ़िया है, उन लोग बाज़ार में चर्चा का मतलब विषय खड़ा हो गया है। हम तो रबी का फसल लगाए हैं जो गेहूं कहलाता है, उसमें जी सूडो और जी डर्मा और जी NPK और GC पावर इसको मिला के दिए हैं, बहुत बढ़िया पैदावार लगा है। हमारा संदेश यही है, हम किसान भाइयों से कहते हैं कि आप लोग भी मतलब कि रासायनिक खेती को छोड़िए, रासायनिक खेती करने से ज़मीन बंजर होता जा रहा है, और जैविक खेती करने से ज़मीन का पैदावार बढ़ेगा, उर्वरक शक्ति मतलब कि स्थिर रहेगा। Thank you.